नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका शुभ रंग कौन सा है, शुभ दिन, शुभ रत्न, शुभ देव और आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ टिप्स। ये जो कुछ मैं शुभ चीज़ें आपके लिए बताने वाला हूँ वो आपको पैसा दिला सकती है, आपको फेम दिला सकती है, ये सभी आपको न्यूमरोलॉजी के अनुसार मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मूलांक एक के बारे में। एक यानी कि जिनकी जो जन्मतिथि है उसको मिलाकर अगर सिंगल डिजिट बनाते हैं, अगर वो वन आता है तो उसको एक कहते हैं। तो शुभ तिथि इनके लिए है 1, 10, 19, 28, 3, 5, 7, 9। इनका शुभ रंग है पीला, नारंगी, गोल्डन और गुलाबी। अभी ये शुभ रंग जो है ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपने इसी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। शुभ रंग आप इस रंग का रुमाल अपने साथ में रख सकते हैं या फिर इस रंग की कोई चीज भी आप अपने साथ में रखते हो तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शुभ दिन रविवार, सोमवार, यानी कि कुछ आपका नया काम आप चालू करने वाले होंगे तो आप आपके शुभ दिन पर करते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। शुभ रत्न माणिक है, फिर भी शुभ रत्न पहनने से पहले एक बार कुंडली में भी जरूर देखना चाहिए कि आपके लिए रत्न कौन सा सुटेबल है। आपके लिए शुभ देव है प्रभु राम और सूरज। प्रभु राम को आप राम रक्षा स्तोत्र बोल सकते हैं, आपको उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और सूरज के लिए है आप सवेरे सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए और ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। स्वास्थ्य के रिलेटेड हृदय रोग या रक्त संबंधित रोग और नेत्र रोगों से बचाव करता है। आहार नियंत्रण में रखना है, रविवार को नमक खाने से बचे। दोस्तों, अगर आप रविवार को नमक कम खाओगे या नमक नहीं खाओगे तो आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। पैसे बर्बाद नहीं करना है, इसका मतलब ये है कि अनवांटेड एक्सपेंसेस जो है वो आप मत कीजिए। बाद में है स्त्री संबंध का विशेष ध्यान रखें और बड़ों का आशीर्वाद लें। मूलांक 2, शुभ तिथि है 2, 4, 6, 9, 10, 11, 20 और 29। शुभ रंग है हल्का चमकीला रंग या सफेद, यानी कि जैसे सिल्वर कलर होता है या ऑफ व्हाइट या व्हाइट कलर। शुभ दिन है सोमवार। आपके लिए शुभ रत्न है मोती। चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन मोती आप धारण कर सकते हैं। शुभ देव है महादेव और चंद्रमा और इनका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आप अगर जाप करोगे तो आपको शांति सुख समाधान मिलेगा। स्वास्थ्य रिलेटेड पेट की बीमारियां और संक्रामक रोगों को आप रोके क्योंकि आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। डाइटिंग में आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, साथ ही आप योगा और वॉकिंग रखते हो तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपके हेल्थ के लिए। मूलांक 3, शुभ तिथि है इनके लिए 1, 3, 5, 7, 9, 12, 21 और 30। शुभ रंग है पीला, बैंगनी, गुलाबी, क्रीम। शुभ दिन है सोमवार और गुरुवार। शुभ रत्न है पुखराज। सोने में गुरुवार के दिन पुखराज आप धारण कर सकते हैं और पुखराज धारण करते वक्त आप गुरु का मंत्र बोल सकते हैं। शुभ देव है विष्णु, शालिग्राम और उनके अपने जो भी आपके गुरु रहेंगे उन गुरु की आपको उपासना करनी है, उनका जो मंत्र रहेगा उसका जाप करना है, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य के रिलेटेड आपको स्किन डिसीज से बचना है,
या फिर इन्फेक्शन, जिन रोगों से इन्फेक्शन होगा ऐसे रोगों से बचना है या गुप्त रोगों से। आहार और व्यायाम पर आपको नियंत्रण रखना है। मूलांक 4, शुभ तिथि है 2, 4, 5, 6, 8, 9, 22 और 31। शुभ रंग है नीला, खाकी, भूरा और चमकीला। शुभ दिन है शनिवार, रविवार और सोमवार। और आपके लिए शुभ व्रत है सोमवार और गणेश चतुर्थी का व्रत। स्वास्थ्य, आपको संक्रमण रोगों से बचना है और जानवर के जो नाखून और दांत होते हैं उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। मूलांक 5, शुभ तिथि है 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14 और 23। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा, यानी के पिस्ता, सफेद और भूरा रंग। शुभ दिन है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। शुभ रत्न आप पहन सकते हो पन्ना आपके लिटिल फिंगर में। शुभ देव है लक्ष्मी माता, उनकी चांदी या क्रिस्टल की मूर्ति आप स्थापित करें और बुधवार को उपवास शांति प्रदान कर सकता है आपके लिए। स्वास्थ्य, गर्मी, सर्दी और संक्रमण रोगों से आपको बचना है। मधुमेह, रक्तचाप के कारण परेशानी हो सकती है और इसकी वजह से आपको हेल्थ का थोड़ा केयर करना है। मूलांक 6, शुभ तिथि है 2, 4, 6, 9, 15 और 24। शुभ रंग है हल्का नीला, पीला, गुलाबी और चमकदार सफेद। शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार। शुभ रत्न है हीरा। व्रत है संतोषी माँ और देवी लक्ष्मी की पूजा। स्वास्थ्य, व्यसन से बचिएगा, आहार पर नियंत्रण रखें। पुरानी बीमारियां फिर से हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित रोग, मूत्र संबंधित समस्याएं, असंयम और पेट की बीमारियां हो सकती है। मूलांक 7, शुभ तिथि है 1, 3, 5, 7, 8, 9, 16, 25 और 30। आपके लिए शुभ रंग है सफेद, स्काई ब्लू यानी हल्का नीला और हल्का ग्रे। शुभ दिन है रविवार, सोमवार और बुधवार। शुभ रत्न है लहसुनिया। मंगलवार का व्रत करने और हनुमान जी की पूजा करिएगा। रविवार की शाम नरसिंह भगवान की पूजा करें। स्वास्थ्य में रक्त से संबंधित समस्याएं या पेट के रोग, खांसी और जीवन में समस्याएं हो सकती है। नशा करने से बचिएगा और घूमना यानी कि वॉकिंग आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मूलांक 8, शुभ तिथि आपके लिए है 3, 5, 7, 8, 17 और 26। शुभ रंग है काला, नीला, भूरा और बैंगनी। शुभ दिन है शनिवार। शुभ रत्न है नीलमणि या नीलम जिसको कहते हैं हम। व्रत है शनिवार का व्रत और आपको चमड़ा और लोहे का दान करना है और घर में धूप जलाना है। स्वास्थ्य में हड्डियां या फिर पेट के रिलेटेड रोग आपको हो सकते हैं तो इससे बचिएगा। बुढ़ापा में संबंधित रोग प्रकट हो सकते हैं। आहार और व्यायाम को अनदेखा न करें। मूलांक 9, शुभ तिथि 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 18 और 27। शुभ रंग है लाल। शुभ दिन मंगलवार और शुक्रवार। शुभ रत्न है मूंगा। शुभ देव हनुमान जी और मंगलवार के दिन आपको शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में फ्रैक्चर, मस्तिष्क और आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। व्यायाम करें।
दोस्तों मैंने जो आपको शुभ तिथियां बताई है उसका आपको उपयोग क्या है, आपके मूलांक के अनुसार अगर आप उस शुभ तिथि के ऊपर आपके महत्वपूर्ण काम करते हो तो आपको उस नंबर की एनर्जी जो मिलती है वह पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। तो इस प्रकार से ये शुभ तिथि आप इस्तेमाल कर सकते हो। शुभ रंग जैसा मैंने पहले कहा कि आप या तो हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल यूज़ कर सकते हो अपने साथ में इस शुभ रंग का, या फिर ऐसी कोई चीज़ आपके साथ में रख सकते हो इस रंग की, जो भी आपका मूलांक के अनुसार शुभ रंग रहेगा। शुभ दिन जो है वो शुभ दिन, आप अगर इस शुभ दिन पे कुछ काम करते हो या फिर उस भगवान की प्रार्थना करते हो तो आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। शुभ रत्न आप ये पहन सकते हो, लेकिन रत्न आप एक बार कुंडली से भी मैच कीजिएगा, उसमें जो भी आपका लकी रहेगा आप इसको देखिए वो भी देखिए, तो कुंडली के अनुसार आप चूज़ कीजिए और वो रत्न आप पहनिए, आपको उससे ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। इससे भी आपको इम्पैक्ट मिलेगा लेकिन उसके अनुसार आपको और ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। शुभ देव जो है आपकी कोई भी इच्छा हो, आपकी कोई मनोकामना हो, वो आप किस भगवान से मांग सकते हो, तो सबसे पहले आपकी कुल देवता, उसके बाद में आपके गुरु, और बाद में आपके मूलांक के अनुसार जो देवताएं आपके मूलांक के लिए फेवरेबल है आप उनसे भी आपकी मनोकामना बोल सकते हो। और स्वास्थ्य संबंधित ये कुछ टिप्स होते हैं कि आप अगर ये केयर करते हो तो आप एनर्जी से भरपूर रहोगे, आपको हेल्थ के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो दोस्तों ये मूलांक अनुसार मैंने कुछ अलग अलग बातें आपको बताई है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।